अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक तरीन जानवरों के बारे में बताएंगे और तो और आपको दिखाएंगे भी, जिनके बारे में शायद आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे, जिनमें से कुछ जानवर हमारे अपने मुल्क में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ना हो कि आप लोगों का इन जानवरों से पाला पड़े और तो और फिर भी कुछ नहीं, तो आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन से खतरनाक जानवर हमारी इस दुनिया में पाए जाते हैं जो कि सबसे खतरनाक हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे, तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। और तो और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हों तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को आप लोग लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी। नंबर 1, टिड्डी या लोकस्ट। दोस्तों, ये एक स्पेशल आइटम है जो ख़ास हम आप लोगों के लिए ही लाए हैं। इनके बारे में देखना तो दूर, आप लोगों ने इनके बारे में आज तक सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, इन टिड्डियों का डर लोगों में जब पैदा हुआ जब लोगों ने एक पेड़ पर सुबह के टाइम इन टिड्डियों को उस पेड़ के ऊपर चिपटा देखा, यानी कि इतनी शिद्दत में इसके ऊपर ये टिड्डियाँ चिपकी हुई थीं कि लोग इनको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए और पत्तों को पूरा खाकर टहनियों को पूरा का पूरा नंगा कर चुकी थी। यानी कि दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे पेड़ों पर पत्ते मौजूद होते हैं, ये तो एक आम सी बात है। लेकिन दोस्तों, जब एक टिड्डी अकेली हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसके साथ काफ़ी झुंड आ जाए तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकती है। और दोस्तों, जब लोगों ने उस पेड़ पर देखा तो उन लोगों ने जब देखा बाद में एक भी पत्ता मौजूद नहीं था, यानी कि इन टिड्डियों ने उस पेड़ को पूरा का पूरा नंगा कर दिया था। और तो और बराबर में फसलों को भी ये नुकसान पहुंचा चुकी थी, यानी कि जो भी फसलें उस पेड़ के बराबर में थी तो वहाँ पर लोगों ने देखा जब इन टिड्डियों का झुंड उन फसलों पर बैठा, और उसके बाद जब उन लोगों ने देखा तो वो देखकर ही हैरान हो गए और कुछ लोग शोक के मारे बेहोश भी हो गए, क्योंकि दोस्तों फसलें जो होती हैं वो वहाँ पर किसानों की होती हैं। लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो वो हक्के बक्के रह गए कि वहाँ पर एक भी फसल का पत्ता मौजूद नहीं था, यानी कि इन टिड्डियों ने वो सब फसलें साफ कर दी थी। और तो और उस जगह पर इमरजेंसी लगा दी गई थी कि कोई भी इंसान इस जगह पर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिकदार में टिड्डियाँ मौजूद थीं जो कि काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती थीं। दोस्तों, इसको बोलते हैं असली ख़तरनाक जानवर। नंबर 2, ब्लू रिंग ऑक्टोपस यानी नीली धारियों वाला ऑक्टोपस। ये 8 इंच का ऑक्टोपस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जानवर है। दोस्तों, ये जानवर पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। और तो और इसके जिस्म पर जो नीली धारियां हैं, अगर कोई भी इसको छूने की कोशिश करता है तो पहले तो ये वार्निंग देता है, मतलब कि इसकी जो ब्लू धारियां हैं वो एकदम से ब्लू हो जाती हैं, यानी कि एकदम से ऐसा लगता है कि इसके अंदर से लाइट निकल ली हो। लेकिन दोस्तों, अगर कोई भी इसको हाथ लगाता है तो ये उसी टाइम उसको काट लेता है। और तो और ये जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे कि इसके काटने पर ना तो एकदम से दर्द होता है ना तो एकदम से जलन, मतलब कि अगर ये ऑक्टोपस आपको काट ले तो ना तो आपको जलन होगी और ना तो आप लोगों को कोई भी दर्द होगा। और इसकी वजह से जब ये चीज़ें आपको नहीं होंगी तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस ऑक्टोपस ने मुझे उस टाइम काटा है। लेकिन इसका ख़तरा बाद में होता है, ये एक बार काटने पर 1200 साइनाइड से भी ज़्यादा खतरा छोड़ता है, यानी कि अपना जहर उस इंसान के अंदर छोड़ देता है जो 1200 साइनाइड से भी ज़्यादा होता है, और वो एक साइनाइड 26 आदमियों को अकेले मारने के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए अगर आप समंदर पर जाएं तो इस जानवर से बच के रहिएगा। नंबर 3, सेफू आंट्स या सेफू चींटे। साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले ये चींटे एक तरह से मौत ही हैं।
ये 40 से 50 लाख का झुंड बनाकर बहुत ही ज्यादा तेजी से चलते हैं और अपनी हरकत की महारत से ये शिकार का पता लगाते हैं और उसी टाइम उस पर हमला कर देते हैं। ये 2 हफ्तों से ज़्यादा एक जगह पर नहीं टिकते, यानी कि इनमें से कोई भी चींटा 2 हफ्तों से ज़्यादा एक ही जगह पर नहीं टिकता है और तो और ये अपने झुंड के साथ निकल जाते हैं। और दोस्तों इसी वजह से जंगल का हर जानवर इन चींटों से डरता है। अब दोस्तों आप यही बोलेंगे कि भला जानवर इनसे कैसे डर सकता है, ना तो जानवर के अंदर दिमाग होता है ना तो कुछ। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी जानवर शेर से क्यों डरता है। और दोस्तों यही वजह है कि बहुत से जानवर इन चींटों से डरते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं या तो इनके पास से दूर हो जाते हैं। और अगर आपका इन चींटों से पाला पड़े तो भागिए मगर उल्टी तरफ। नंबर 4, मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल। दोस्तों शक्ल से ही दिखने वाले इस खतरनाक मगरमच्छ को ज़रा देखिए। ये खारे पानी का मगरमच्छ ऑस्ट्रेलिया और बहुत से ज़्यादा कंट्री के समंदर में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और 23 फीट लंबा और तो और सबसे ज़्यादा ताकतवर मगरमच्छ है। और तो और पानी के अंदर घुसने वाले किसी भी जानवर या वो हाथी भी हो उसको भी ये आराम से मार सकता है और अपना शिकार बना सकता है। अगर बात करें इसके वजन की तो इसका वज़न 500 से 1000 किलो तक हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें इजिप्ट की तो इजिप्ट के नील दरिया में हर साल सैकड़ों लोग इस मगरमच्छ का शिकार होते हैं और इसी वजह से इस मगरमच्छ को दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जानवरों में गिना जाता है। अब अगर आपका पाला इस मगरमच्छ से कभी भी पड़ जाए तो ज़रूर भागिएगा, रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, हाथी यानी एलिफेंट। दोस्तों आप लोग इस हाथी की शक्ल देखें, कितना भोला और प्यारा दिखने वाला ये हाथी काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हर एक हाथी की। दोस्तों दिखने में तो हाथी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और भोला भाला लगता है, लेकिन जब इसका दिमाग घूम जाए तो ये अच्छे अच्छों को ठिकाना लगा देता है। मतलब कि ये अपने पूरे झुंड के साथ हमला करता है, यानी कि जब भी इसका दिमाग घूम जाए तो ये पूरे के पूरे गांव तक को तबाह बर्बाद कर देता है। दोस्तों अगर बात करें कुछ साल पहले की तो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक मेला लगता है जिसका नाम कुंभ मेला है, और उस मेले के अंदर ऐसा ही हुआ कि हाथियों के झुंड ने उस मेले पे हमला कर दिया और जब हमला किया तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई, मतलब कि सैकड़ों लोग इसके अंदर अपनी जान गंवा बैठे। और इसी वजह से कुंभ मेले में इस पर पाबंदी आयद कर दी, वरना पहले हाथी को मेले के अंदर लेकर आना ज़रूरी था। दोस्तों अब जब भी आपको हाथी मिले तो एहतियात ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे ख़तरनाक जानवरों के बारे में बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और तो और दोस्तों आप लोग इन जानवरों से बच के रहिएगा, कहीं पे भी ये जानवर आपको मिले तो आप लोग काफ़ी इनसे दूरी बनाए रखिएगा। अब दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है उसेफा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी।